प्रश्न, मुझे रमजान में लगातार 6.5 घंटे परीक्षा देनी है, जिसके बीच में केवल 45 मिनट के लिए विश्राम का अवकाश होगा। मैंने पिछले साल भी यही परीक्षा दी थी, लेकिन रोजे के कारण मैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। क्या मेरे लिए परीक्षा के दिन रोजा तोड़ना जायज है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। आपने जिस कारण का उल्लेख किया है, उसके लिए रोजा तोड़ना जायज नहीं है, बल्कि ऐसा करना हराम है, क्योंकि यह उन कारणों में शामिल नहीं है जो रमजान के महीने में रोजा तोड़ना जायज कर देते हैं। फतावा अल्लजना अद्दाइमा से उद्धरण समाप्त हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि रमजान का रोजा हर मुकल्लफ अर्थात शरई अहकाम के लिए बाध्य मुसलमान पर फर्ज है, तथा रोजा के समय में रोजा रखने से केवल वही लोग मुक्ति पा सकते हैं जो ऐसे उज्र अर्थात विवशता वाले हैं जिन्हें रोजा तोड़ने की छूट दी गई है, जैसे कि बीमार, यात्री, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला, वयोवृद्ध और रोजा तोड़ने पर मजबूर किया गया व्यक्ति।